जंगल में मिला हमको अजगर। वंदे मातरम्। गणपति बाप्पा मोरया। हर हर महादेव। तो है गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज का दिन हमारा होगा यहाँ पे एक जंगल ट्रैक पे जाने के लिए। तो अभी सुबह सुबह यहाँ पे हम लोग टेंट फोल्ड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आज हम लोग निकल जाएंगे लंच करने के लिए। सेम यहीं हमको आना है, लेकिन सुबह सुबह अभी क्या है कि लंच करने के बाद हमारे पास टाइम नहीं रहेगा। तो यहाँ पे अभी सुबह सुबह ही टेंट फोल्ड कर रहे हैं और इनको सबमिट कर देंगे। इसके बाद यहाँ से निकलेंगे जंगल ट्रैक के लिए। तो भाई यहाँ का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है ना, ये अभी फ्रेंड्स लोग हैं देखो टेंट फोल्ड कर रहा है भाई। ये ट्रैकिंग का एक है ना अलग ही एक्सपीरियंस है। तो अगर आप होटल में जाके रुकते हो ना, वो एक अलग एक्सपीरियंस है, और ये ट्रैकिंग का एक अलग एक्सपीरियंस है। जल्दी जल्दी तो भाई यहाँ का एटमॉस्फेयर, पीछे क्या अब्बा, पीछे एक माउंटेन है, वो दिख भी नहीं रहा है, उतने क्लाउड है। और ये हमारे टेंट के सामने का व्यू है, और ये टेंट के पीछे यहाँ पे भी, ये आप पूरा देख रहे हो ना, ये सब माउंटेन ही माउंटेन है, वो भी एकदम क्लाउड से ढका हुआ है। तो भाई ये यहाँ का जो सीरियसली एटमॉस्फेयर तो एक नंबर था। और गर्मी हमको लग रही थी, कल हम लोग आए थे ना ट्रैक करके, थोड़ा छोटा ट्रैक करके, तो गर्मी हमको लग रही थी, सफोकेशन हो रहा था। लेकिन भाई जब रात में हम टेंट में सोए ना, फिर थकान था, इतना थकान था ना कि गर्मी कुछ पता ही नहीं चला। सीधा रात को सोए, सीधा सुबह 5 बजे। यहाँ से जिस जगह पर जा रहे हैं, जिस जगह पर हम ट्रैक करने वाले हैं, उस जगह का नाम है मांगो। क्या नाम है? मांगो। वो लोकल नेम है, उसका जो मीनिंग क्या है, वहाँ पर हम क्यों ट्रैक करें, वो सारी चीजें वहाँ पर जो हमारे लोकल गाइड है वो आपको बताएंगे। ओके? यस। वी ऑलवेज फॉलो वन थिंग, वी कॉल इट लीव नो ट्रेस। क्या बोलते हैं हम इसको? लीव नो ट्रेस, है ना। सो जब भी हम माउंटेन्स में जाते हैं, व्हाट वी लीव बिहाइंड इज जस्ट फुटप्रिंट, है ना। जंगल में जाके अगर हम वापस आए तो उधर सिर्फ और सिर्फ फुटप्रिंट्स छोड़ के आना है, इसके सिवा और कुछ छोड़ के नहीं आना है, है ना। आपका पानी का बोतल छोड़ के नहीं आना है, रेपर्स छोड़ के नहीं आना है, और कुछ भी चीज़ वहाँ पर छोड़ कर नहीं आना है। नंबर टू, आप वहाँ से वापस कुछ नहीं लाते सिवा की मेमोरी। ओके? Yes. कुछ नहीं लाना है। कुछ लोगों को अच्छा पत्थर मिल गया उठा लेते हैं, अच्छा फ्लावर मिल गया उठा लेते हैं, है ना। तो ये अपने पोजीशंस को अपने पास रखने की जो चीजें, वो नेचर में अच्छी नहीं है। स्टेपिंग अहेड, इनविंसिबल इज ऑलवेज लीडिंग द फ्रंट। और एक चीज है जो हमें हमेशा हमारे साथ में रखना है, उसको हम बोलते हैं ग्रीन ट्रेल्स। क्या बोलते हैं? ग्रीन ट्रेल्स। ग्रीन ट्रेल्स मतलब कि जो भी ट्रेल पे हम जाते हैं, ग्रीन ट्रेल्स इज, पहली जो चीज मैंने बताई एलएनटी, वो आपको समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया, बट दैट इज मैंडेटरी, उसको कोई क्रॉस नहीं करेगा। देन सेकंड इज वॉलंटियरिंग, सेकंड पार्ट है, इसमें आप वॉलंटियर कर सकते हैं। वॉलंटियर आप कैसे कर सकते हैं? शायद आप छोटा बैकपैक लेके चलेंगे, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो बड़े वाले बोरे लेके चलेंगे फोल्ड किए हुए। आप जब ट्रेल में चलते हैं, अगर आपको कोई प्लास्टिक दिखता है, जैसे कि मैं यहाँ पर चल रहा हूँ, मुझे यहाँ पर सेंटर फ्रेश का ये रैपर मिला। ओके, व्हाट आई विल डू, मेरे बैग के साइड पॉकेट में जो वाटर बॉटल रखने की जगह है, आई पुट इट देयर। ओके, एंड व्हेन द ट्रेल एंड्स, देयर आर डस्टबिन्स आर देयर, आप वो सारी चीजों को उसमें डंप कर सकते हैं। सो यू गाइस आर रेडी फॉर दिस? यस सर। वन और टू सजेशंस आई हैव, एज पर मैं आप जो लोगों का आउटफिट देख रहा हूँ, सैंडल्स में ट्रैक करना थोड़ा टफ हो जाएगा, सो वेयर शूज। इफ यू हैव ब्रॉट शूज विथ यू, तो शूज पहन लीजिए, नंबर वन। नंबर टू, द प्लेस वेयर वी आर गोइंग इज अ काइंड ऑफ सेमी डेजर्ट फॉरेस्ट, और सेमी डेंस फॉरेस्ट, मतलब कि जो झाड़ियाँ हैं वो थोड़ी गीच होने वाली है, जो वेदर है, जो टेरेन है, दैट इज गोइंग टू बी लिटिल बिट ट्रिकी, है ना। तो जनरली हमेशा हम जब इंस्ट्रक्टर जाते हैं, सो वी यूज फुल स्लीव्स। ओके, सो इफ यू हैव फुल स्लीव्स देन वेयर दैट। इज इट डन? यस सर। यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज? ऑल क्लियर? रेडी फॉर द ट्रैक? जाएंगे समिट तक? यस। ओके, वंस वी रीच द समिट, वी विल क्लाइंब बैक, बस में बैठ के हम यहीं पर वापस आएंगे, यहीं पर हम लंच करेंगे, देन विल गो फॉर अपली। डन? यस। ओके, जय हिंद, ऑल द बेस्ट। जय हिंद। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे जो मैंने बोला था जंगल ट्रैक के लिए, तो वो जंगल ट्रैक का नाम है मांगो ट्रैक। तो अभी मांगो माउंटेन बोलते हैं उसको, तो अभी हम लोग वहाँ पे मांगो माउंटेन पे ट्रैक करने के लिए जा रहे हैं।
भाई हम लोग पहुंच गए हमारे स्टार्टिंग पॉइंट पे। यहाँ हम लोग जो कल महादेव के मंदिर पे आए थे वहाँ से ही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। पार्किंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप अपनी गाड़ी ले आगे जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो अपनी गाड़ी लेके। प्राइवेट व्हीकल को ये लोग अलाउड करते हैं। तो भाई ये व्यू आप देखो, ये बहता हुआ पानी और पीछे एक बड़ा सा माउंटेन। हमको ये माउंटेन चढ़ के, ये मांगो माउंटेन है, ये ही चढ़ के ऊपर जाना है ट्रैक करके जंगल के अंदर से। મારું નામ છે મુકેશભાઈ। મિનિમમ 2-2.5 કલાક તમે મારા જોડે રહેશો। તમે અહીંયા અવાજ નહીં તો નહીં જ કરવાનું, નહીં તો વચ્ચે વચ્ચે છોડી જતો હોય। હવે જો અહીંથી ટ્રેક ચાલુ કરશો બરાબર, 2 કલાકનો ટ્રેક છે, 2-2.5 કલાકનો બરાબર। અંદર પ્લાસ્ટિક ક્યાં જ નથી ફેંકવાનું, પાણીની બોટલ હોય તો ડસ્ટબિન મૂકેલા છે, ના મળે તો તમે બેગમાં મૂકીને લઈ આવશો પાછા। જ્યારે ટ્રેક કરશો ત્યારે વધારે નજર પગ ઉપર રાખવાની, કેમ કે અહીંયા અત્યારે સાપ બી હોઈ શકે છે, વરસાદની સિઝનમાં સાપ હોય, બીચું બી બધી વસ્તુ હોઈ શકે બરાબર। અને બીજી વાત, કોઈ બી ઝાડ પત્તાને હાથ ના લગાવતા, કેમ કે અહીંયા વનસ્પતિ છે એને ટચ કરવાથી ખંજવાર આવશે। શું આવશે? ખંજવાર બરાબર। એ નાવાથી ના માટે, ડૉક્ટર જોડે જશે તો બી ના માટે, ગાયના ગોબરથી નાવું પડશે બરાબર। એ કઢાયો કહેવામાં આવે, આની જે શીંગો છે ને એમાંથી દૂધ નીકળે છે। શું? દૂધ, જે આપણે દૂધ ખાઈએ એના અંદર એક જ ટપકું પાડો તો 20 મિનિટના અંદર દહીં બની શકે છે। કેટલું? 20 મિનિટના અંદર એ જ દહીં તમે ખાઈ શકો છો। હવે એક મેજિક બતાવીએ છીએ, આ રીતે થોડું આમ કરીને તોડવાનું છે, આમ આમ કરીને, આમ કરી ફૂગ મારી ગયો લોકો કપડા બી ધોતા અને માથું બી ધોતા હતા બરાબર, અત્યારે આને કોઈ ઉપયોગ કરતું નથી। જંગલ મેં મિલા હમકો અજગર। तो भाई जंगल में जाकर ऐसा मस्त बर्ड्स का, पंछियों का आवाज़ और ये बहता हुआ पानी की आवाज़ ना सुनाई दे तो क्या ही फ़ायदा फिर जंगल में जाने का। वीडियो बनाया। हे गाइस, मैं चढ़ता हुआ। यहाँ पे एक छोटा सा पैच है जहाँ से उतरने के लिए आपको बैठ कर ही उतरना पड़ेगा, बहुत हाइट पे ये पोर्शन। કેટલા ફળ આપે? કયો કયો? દોરીને મોઢું। મવડાના ફૂલ કેટલામાં ઉપયોગ થાય છે? એમાં જો મવડાના ફૂલ તમે કાચા ખાઈ શકો છો, આનો શીરો બનાવીને ખાઈ શકો છો, રોટલી બનાવીને ખાઈ શકો છો, એમાં કોઈ નશો ના થાય બરાબર। એને 3-4 દિવસ એને બોઇલ કરવામાં આવે, એના પછી જ દારૂ બને છે બરાબર, એના પછી જ દારૂ બને। દારૂ, દારૂ એટલે કયો દારૂ? કે દેશી દારૂ બને છે। અને બીજી વાત, એ આયુર્વેદિક છે, આ કેમિકલ રામ વિસ્કી જેવું નહીં, આ બધામાં કેમિકલ આવે, આના અંદર કોઈ કેમિકલ નહીં। એક બોટલ તમે બાઇકના અંદર નાખશો તો બાઇક બી ચાલશે બરાબર, અને તમે એને દારૂથી માલિશ કરી શકો છો। નાના છોકરાને શરદી ખાંસી થઈ લે તો માલિશ કરો છો સાથે ઉપર તો બી ફ્રેશ થઈ જાય છોકરું બરાબર। અને એક પેક મારે તો દવા છે, વધારે પીએ તો નશો છે। અને બીજી વાત, ડોળ, મવડા બે ફળ આપે, ડોળ, ડોળનો શું ઉપયોગ થાય છે? હા, તેલ। કેને ખાધું છે તેલ? તમે ખાવશો તેલ? અમે ખાઈએ જ છીએ બરાબર, અમે તેલ કાઢીએ જ છીએ ડોળનું, અને ગાયો માટે ખાંડની પાપડી બને છે ડોળનો ઉપયોગ બરાબર। આના ઉપર એક વેલ છે, જોશે એક ઉપર કઈ છે ખબર નહીં।
ખબર નથી માવડાનું નામ લીધું એટલે ફટાફટ આવી ગયું એમ કે દરેકને ઉપયોગ કરેલો જ છે એવું લાગે કઈ છે ઓર્કેડ બરાબર એ ઓર્કેડ છે જમીન ઉપર ક્યારે ના થાય આ ઝાડ ઉપર જ થાય છે અત્યારે જમીન ઉપર મૂકી દેશો તો કલાક પછી આ સુકાઈ જશે આ ઝાડ ઉપર જ થાય છે અને આયુર્વેદિક જે દવામાં ઉપયોગ થાય છે આપણા દાદી દાદા મમ્મી પપ્પાને કોઈ બી મતલબ ઘૂંટણાના અંદર તકલીફ હોય લાકડી લઈને ચાલતા હોય એવા આ પાવડર બનાવીને તમે જો લેપ લગાવો 5-6 દિવસમાં લાકડી સાઈડમાં મૂકી દે અને દુખાવો બધો મટી જાય ચાલો હવે જશું હવે સિંગલ જ ચાલવાનું છે હવે આના કરતા બી કઠિન છે સિંગલ જ ચાલવાનું છે લીંબુ પાણી એસે જો પૂરા મસાજ કરકે જાયેંગે કોણ સા મસાજ વો દેખો વો પથ્થર વો આપકા ફ્રી મે મસાજ કરેગા મેરે કો ક્યો લગ રહા હમ ગલત આ ગયે તૈસે નીચે આઈ જા હો भाई आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि कहीं पे भी घूमने जाओ कचरा इधर उधर मत फेंको तभी मज़ा आएगा घूमने का। यहाँ पर हम आए हैं और हमें यहाँ प्लास्टिक की बॉटल्स मिली है हम वो साफ़ कर रहे हैं और इसको साथ में एक थैली लाए हुए उसमें डालकर साथ ले जाएंगे और फिर डालेंगे डस्टबिन में। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं मैंगो माउंटेन के समिट पर और यहाँ पर एक वॉच टावर बनाया है और भाई ये नज़ारे तो देखो यहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा है। पता नहीं मेरी आवाज़ आपको कितनी क्लियर आ रही होगी नहीं आ रही होगी लेकिन भाई यहाँ के जो नज़ारे हैं एक नंबर नज़ारे है। जितनी भी थकान हमको ऊपर चढ़कर हुई थी वो सब ये नज़ारे और ये वादियाँ देख कर चली गई। ये फ्रेश एयर और ये बिना पॉल्यूशन वाले नज़ारे भाई सीरियसली मज़ा ही आ गया ये नज़ारे देख के। અહીંયા પહેલાં 15મી જતી પહેલાં મકાનો હતા ઉપર જો બધી જગ્યાએ એટવાળો જોવા મળે કે ના મળે અહીંયા પહેલાં મકાનો હતા જે ઉપર જો એનો સામે પર્વત છે તે લાકડીઓ છે બે અત્યારે ધજા નથી બરાબર ત્યાં ભીમનું મંદિર છે આ ભીમનું મંદિર છે એ જગ્યાએ જવા માટે 8 કલાકનો રૂટ છે કેટલો 8 કલાકનો અમારા ગામના લોકો માટે 2 જ કલાક કેમ જયારે દિવાળી હોય ત્યારે અમારા ગામના લોકો છેક ઉપર જાય છે દિયાબત્તી કરે ફટાકડા ફોડે પછી જ ગામમાં લોકો ફટાકડા ફોડે બરાબર એ બી દિવસે નહી રાત્રે 6-7 ના અંદર 2 જ કલાકમાં જઈને આવી જાય ફટાફટ આપણે તો 8 કલાક થઈ જાય એ બી હવે આપણે અત્યારે પૈસા કેમ મૂકીએ છીએ લોકર હોય ત્રીજું હોય કબાટ હોય કોઈ બરાબર પહેલાંના માણસ શું કરતા હતા એક માટીનું માટલું હતું એના અંદર પૈસા મૂકતા હતા બરાબર જમીનમાં મૂકી દેતા જેમ કે કોઈ બી વ્યક્તિ બાજુનો વ્યક્તિ આવી લઈ ના જાય હજુ બી વસ્તુ અહીંયા છે અહીંયા કોળો નગરી કહેવામાં આવે છે કોળો નગરી બરાબર અહીંયા પહેલાં 15મી સુધી પહેલાં બજાર હતું બરાબર જે વખતે મુગલો નાશ થઈ ગયું છે અમુક અવશેષો હજુ બી પડેલા છે અમુક જગ્યા ઉપર દિવાલો બી છે અને અમુક મંદિરો બી ખંડર છે બરાબર અને અમુક વસ્તુ છે બધું અંદર જ છે કોઈને મળ્યું નથી ધારો કે રાત્રે સપનું આવે તો તમે આવી શકો છો બિંદાસ રાત્રે 11-2 ના અંદર વચ્ચે આ ઝાડ બી તમારા જોડે ડાન્સ કરશે જે લોકો મરી ગયા બધી આત્માઓ છે રાત્રે અહીંયા બહાર આવે છે બરાબર આ ભીમ પર્વત પેલો સામે જે અંગાડીઓ છે બરાબર બંને પર્વત ભેગા થશે ભેગા થાય એના પછી અવાજ આવે ભાઈ જાય છે કે આવું છું તમને કહે છે તું જાય છે કે હું આવું ના ગયો તો બંને ભેગા થઈ જાય
આ રીતે કુદરતી થાય છે. અહીંયા આત્માઓ છે, શેર નથી. એમના ગામના લોકોએ 2-3 જણને માટલું મળ્યું છે. એવી કોઈ ગાંધી બાપુની નોટ નહીં, સોનાના સિક્કા અને ચાંદીના સિક્કા, બરાબર. એ વખતેનું ઓરિંદર વસ્તુ હોય, અત્યારનું બધું આ સાઈડ ભીંગના પગલા બી છે, અત્યારે બી છે, બરાબર. એ જગ્યા ઉપર તો આપણે જવાનું નથી. આ માંગોયેલ છે, અહીંયા ઇક્કો થાય છે, હું વંદે, તમે બધા માત્ર એક જ અવાજ આવવો જોઈએ, એના પછી વચ્ચે કોઈ બોલ્યું તો અહીંથી નીચે ગાડી જોડે, બરાબર. રેડી તૈયાર છો બધા? વંદે માતરમ, વંદે માતરમ, ભારત માતા કી જય, ભારત માતા કી જય, જય હિંદ જય હિંદ જય હિંદ જય હિંદ. ગણપતિ બાપ્પા મોરયા, ગણપતિ બાપ્પા મોરયા, હર હર મહાદેવ. यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे नीचे. ये एक अलग रास्ता है नीचे जाने का, ऊपर हम लोग अलग रास्ते से आए हैं. और ये रास्ता जो इंस्ट्रक्टर थे वो बोल रहे थे कि थोड़ा कठिन है ये. तो भाई मांगो माउंटेन का जो हमारा ट्रैक था वो ये हमारे साथ मुकेश सर थे, उन्होंने हमको करवाया था बहुत ही मस्त. और जो बीच बीच में जो पॉइंट थे वो बहुत ही मस्त समझाया हमको, पूरा ट्रैक अच्छे से करवाया. तो अगर आपको यहाँ पे आके ट्रैक करना है तो आप उनका कांटेक्ट कर सकते हो. मुकेश भाई आप एक बार आपका कांटेक्ट नंबर दे दो, और आपको कैसे वो लोग रीच आउट कर सकते हैं वो एक बार बता दो. 99-53-92-02. तो आप उनको वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो और आ सकते हो. तो इनका कहना है कि अगर आपको ट्रैक करना है तो आप शाम को इनको कॉल करके बता दो कि दूसरे दिन आपको ट्रैक करना है. और जब सुबह आओ तो यहाँ पे जो पोलो फॉरेस्ट का चेक पोस्ट है वहाँ पे आके उनको कॉल कर दो, क्योंकि उसके बाद आपको यहाँ पे कोई मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलेगा. भाई यहाँ पे थोड़ा छोटा सा चेक डैम जैसा है, तो आप यहाँ पे अगर आके पानी में खेलना चाहते हो तो आप खेल सकते हो. यहाँ पे अभी पानी कम है. तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं वापस से अपने कैंप साइट लंच करने के लिए. आई थिंक ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म. और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में एक नए से एडवेंचर के साथ. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में. टिल देन बाय गाइस.